प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 8 विषय गणित का लेके आ चुके हैं। यहाँ पर आपको 20 नंबर के टोटल पूर्णांक दिए गए हैं। इन्हीं में से आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आज सोल्यूशन में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखेगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करके दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले में आपको पहला नंबर राइट आंसर कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करके दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे में आपको श नंबर राइट कर लेना है आपको। तीसरा प्रश्न है, माइनस 5/11 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर 5/11। अगला प्रश्न है, माइनस 7 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर कर लेना है आपको माइनस 1/7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, माइनस आपको यहाँ पर 1/15 को 7/5 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो इसका राइट आंसर कर लेना है आपको यहाँ पर माइनस 1/3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न यहाँ पर दिया गया आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स को संतुष्ट करता है। तो उपरोक्त सभी कर लेना है, उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, माइनस 2/5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सातवें प्रश्न में आपको स नंबर करना है, माइनस 8/21 कर लेंगे। बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से आप 2/3 × 5/3 × 4/7 का 2/3 × 5/3 × 4/7 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो सहचर नियम से आप कर सकते हैं स नंबर। अगला प्रश्न है, 1/2 + 5/2 + 5/9 का मान ज्ञात करना है। तो नौवें प्रश्न का आपको आंसर कर लेना है स नंबर। अगला प्रश्न है, 2/4/11 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। दसवें प्रश्न का आपको आंसर कर लेना है ब नंबर, यानी -26/11 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, माइनस यहाँ पर कर लेना है 21/11 को 7/33 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। बारहवें प्रश्न का राइट आंसर कर लेना है ब नंबर, -9/5 आंसर हो जाएगा। तेरहवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर द नंबर हो जाएगा 26/5, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2/5 और 4/5 की दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 14वें वाले में अ नंबर कर लेना, 1/2 और 7/10 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए 15वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से कौन -1 और 1 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट और क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके सीधे व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE NEET, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। के बीच की परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर करेंगे 15वें वाले में आपको अ नंबर कर लेना है, 0 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 16वां नंबर आपके स्क्रीन पर, 0 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 0 का आपका राइट आंसर कर लेना है स नंबर, 0 ही होगा योज्य प्रतिलोम, ठीक है। चलिए 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 3/10 + 2/5 × 15/7 का मान ज्ञात कर लेना है। तो ये आपका राइट आंसर द नंबर हो जाएगा 3/2। अगला प्रश्न है, 4/5 + 2/5 × 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आएगा 4/3। अगला प्रश्न है, बताइए कि किस गुणधर्म की सहायता से आप 4/7 + 6/11 + 7/9 का 4/7 + 6/11 + 7/9 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्रम विनिमय गुणधर्म की सहायता से कर सकते हैं। अगला प्रश्न नोट करेंगे, 20वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कि निम्नलिखित में से कौन 1/8 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर नोट करेंगे द नंबर, यानी उपरोक्त सभी। इस तरह से आज का मूल्यांकन प्रपत्र यहीं से समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उस प्रश्न को सही किया जा सके। उम्मीद करता हूं आपको अपने वीडियो पसंद आएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट सिंपली विजिट कर सकते हैं helpexam.in पर। वहां पर कक्षा 8 के सभी विषयों का सोल्यूशन अपलोड कर दिया गया है, तो आप आसानी से डाउनलोड करके वहां से भी नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।